बताइए क्या मामला है। हमारे गांव के निवासी श्रवण कुमार से ज़मीन लिए, एग्रीमेंट पेपर पर लिखाया गया था 5 लाख ज़मीन तय हुआ, उसके उपरांत उसने तय हम दोनों आपस में मिलकर किए, उसके उपरांत में 3,70,000 दे चुके हैं। उसके बाद फिर उसने हम बोले कि चलो रजिस्ट्री करना है तो 1,30,000 को देना था, उसके उपरांत भी उसने माना करे कि नहीं रजिस्ट्री करेंगे, पैसा भी नहीं देंगे। इसके विवाद में हम गए बोधगया थाना में, गए अनंत सर से मिले, बात किए, उसने आवेदन पढ़ करके श्रवण कुमार को बुलाया गया, बुलाने के बाद भी उसके बाद उसे आवेदन लिखवाया, उसने बोला कि ठीक है सर हम 15 तारीख को लिख देंगे। उसके बाद में जब 15 तारीख जब समय आया तो उसके बाद श्रवण कुमार को बोले, उसके बेटा रोहित कुमार को बोले कि चलो आवेदन अथी वहाँ थाना बुलाए हैं, वहाँ बुलाए हैं, चलिए लिखवाना ज़मीन में, तो उसने बोला ठीक चलते हैं। उसके बाद भी दोबारा धमकी देने लगा कि जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ, नहीं मिलेगा पैसे को नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा, ज़मीन भी नहीं देंगे, ज़्यादा बोलेगा ना ज़मीन में गाड़ के मार देंगे। उसके उपरान फिर दोबारा गए थाना पर, अनंत सर से मिले, उसने बोले कि ठीक है सर बुलाते हैं, उसने बुलाया भी नहीं। उसके बाद हम फिर दोबारा रिपीट किए, 3-4 बार आवाज़ आई की उनके पास, उसके बाद उनको बुलाया भी नहीं, उसने बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद वहाँ से भगा दिया हमको, नहीं आवेदन नहीं दिया न कुछ भी दिया, थाना से भगा दिए। ठीक, उसके बाद कहीं आवेदन दिए? उसके बाद कल गए SSM उनके पास गए देने के लिए, SSP मैडम, हाँ SSP मैडम, हाँ उसने बोला ठीक है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आपके माध्यम से इसका फिर इसके बाद मानव अधिकार द्वारा इनके आए हैं, शरण में आए हैं, उनसे किस प्रकार का हमारा सहयोग करें। ठीक है, अपना पूरा नाम पता बताइए। मेरा नाम है शैलेंद्र साहू, मेरा गांव है धनवा, गया जिला रहने वाला है, थाना बोध गया हुआ बिहार के हैं।